एक बार 20,000 मधुमक्खियों का एक झुंड 2 दिन तक एक गाड़ी का पीछा करता रहा। क्यों पता है? क्योंकि उस झुंड का जो एकमात्र रानी मधुमक्खी थी वो उस कार के अंदर फंस चुकी थी। वाह, आई मीन कितना केयर करता है यार अपने रानी की। और इस दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड है बिच्छुओं का जहर। सिर्फ 1 लीटर बिच्छू के जहर की कीमत है लगभग 80 करोड़ रुपए। यस ब्रो, यू हर्ड इट राइट, इट्स 80 करोड़ रुपीज पर लीटर। और ये बिच्छुएं 6 दिन तक अपनी सांसें रोक कर रख सकते हैं और पूरा 1 साल बिना खाए जी सकते हैं। एक 99 साल के बूढ़े आदमी ने अपने शादी के 77 साल बाद अपने 96 साल की बीवी से तलाक ले लिया, क्योंकि कहीं से उनको पता चला कि 70 साल पहले उनकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। शक्ल तो देखो बुढ़े की, कैसे मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। आप लोगों को लगता होगा कि शायद लैला मजनू की कहानी रियल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो दोनों सच में थे। और ये है उन दोनों की असली तस्वीर जो कि फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया है। मैंने सोचा नहीं था कि लैला दिखने में इतनी सुंदर होगी यार। और आप ये जानकर हैरान हो जाएं कि नासा में इंटरनेट की स्पीड है 91 GB/s। मतलब उस स्पीड में आप 1 सेकंड के अंदर 50 फुल HD मूवीज डाउनलोड कर सकते हो। और चाइना में जो अमीर लोग होते हैं वो अगर कुछ गलत काम करते हैं और अदालत से उनको सजा सुनाई जाती है तो वो पैसे देकर अपने बॉडी डबल्स यानी कि अपने डुप्लीकेट्स को हायर कर सकते हैं ताकि उनके बदले उनके बॉडी डबल्स सजा काट सकें। और जापान सरकार जापान के एक ट्रेन स्टेशन को बैंड करने वाला था, लेकिन उस ट्रेन के स्टाफ्स ने ये नोटिस किया कि उस ट्रेन से हर दिन सिर्फ एक ही लड़की चढ़ती है स्कूल जाने के लिए। तो इसीलिए जब तक वो लड़की कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो गई तब तक उस स्टेशन को बैंड नहीं किया गया, जिससे कि लड़की के एडुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2011 में ब्राज़ील के एक आदमी ने समंदर के किनारे एक पेंगुइन को देखा जो मरने की हालात में था, तो उन्होंने उस पेंगुइन को घर में लाकर उसकी देखभाल करने लगे जब तक वो ठीक ना हो गया और सही तरह से तैरने ना लग गया। ठीक होने के बाद उन्होंने उसे समंदर में छोड़ दिया और उसके बाद से हर साल वो पेंगुइन 8,000 किलोमीटर तैर के आता है सिर्फ उस आदमी से एक बार मिलने के लिए। सो अमेजिंग इजंट इट। और चाइना इस साल स्ट्रीट लाइट्स के बदले एक आर्टिफिशियल मून लॉन्च करने वाला था, जिससे उस मून के 10 से 80 किलोमीटर के दायरे में जितना भी एरिया आता उसे वो उजाले में रख सकता था। और इस आर्टिफिशियल मून की लाइट असली मून से 8 गुना ज़्यादा ब्राइट होता। लेकिन अब इस कोरोना की वजह से चाइना में ये हो भी पाएगा या नहीं, आई डोंट नो। एंड एज यू गाइज नो दैट इंसान के ब्लड में आयरन होता है, तो अगर आप उस आयरन को यूज़ करके एक नॉर्मल साइज का तलवार बनाना चाहोगे तो आपको 359 लोगों का खून करना पड़ेगा। 359 लोगों के ब्लड से ही आपको इतना आयरन मिल सकता है जिससे कि एक तलवार बन सके। सिंगापुर में एक कोका कोला मशीन है जिसका नाम है हग मी। तो इस मशीन को जितनी बार आप हग करोगे ये मशीन उतनी बार आपको एक फ्री कोका कोला देगा। काश इंडिया में भी ऐसा एक पैसे का मशीन होता। एंड अगेन इस वीडियो में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप एक मार्वल मूवीज़ के फ़ैन हो तो आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो पहचानते होंगे, यानी कि जो मार्वल मूवीज़ में आयरन मैन का किरदार निभाता था। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का थोड़े टाइम के लिए एक रोल था, तो उस रोल के लिए उन्हें कितना पे किया गया था मालूम है आपको? हर मिनट के एक्टिंग के लिए 7 करोड़ रुपए। और जापान के किसान स्क्वायर शेप का वाटरमेलन उगाते हैं ताकि उसे एक जगह ढेर करके रखने में आसानी हो। सो ये थे मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स टू ब्लो योर माइंड। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रीक्वेंटली लाता रहता हूँ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।